हेलो गाइस, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। सॉरी। हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सर्वा रॉक्स को, जिन्होंने इस वीडियो के लिए स्टोरी लिखा, इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा। तो गाइस, एक और बात आपको बता दूं, बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो स्टोरी है, दो दोस्त की स्टोरी है। दोनों की माँ बीमार रहती है और दोनों को ये उसी चाहिए अपनी माँ के इलाज के लिए। तो गाइस, देखना ये है कि वो दोनों क्या क्या काम करता है अपनी माँ के इलाज करवाने के लिए, वो किस हद तक जा सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। भाई क्या करो यार, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा और माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और पापा भी कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरे भी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है यार, अब क्या करूँ। पड़ोसी से उधार लेकर दवाई खरीदा। तेरे तो पापा है, मेरा तो सिर्फ दुनिया में माँ ही है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ हो जाऊँगा। हाँ यार, कोई काम भी नहीं मिल रहा और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। मेरे पास एक रास्ता है, तू साथ देगा तो बता। कैसा रास्ता? मैं एक बार बैंक लूटने की सोच रहा हूँ। बस एक बार लूट के अपनी माँ का इलाज करवा लूँ और वो ठीक हो जाए, फिर ज़िंदगी भर कोई गलत काम नहीं करूँगा। चोरी करना बहुत गलत काम है यार, ऐसा कैसे कर सकते हैं? देख, अगर हमें अपनी माँ को बचाना है ना, तो यही एक रास्ता बचा है। न तो तेरे पास कोई अगर और रास्ता है तो बता फिर। नहीं यार, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चल आ जा, अभी चल के प्लानिंग करते हैं और मिलते हैं रात को बैंक के पास। रुको, मैं अभी कार्ड को भगाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी आ जाओ। वाओ, इतने सारे यूसी, सब के सब रोक लो जल्दी से जल्दी। अरे ये बेल कहां से बज गई, अब क्या करें? ए हैंड्स अप, कोई हिलना मत अपनी जगह से, नहीं तो गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर करो सब अपने अपने, जितने यूसी लिए हैं सब ड्रॉप करो। सर, दो बंदूक को कल रात पोचंकी बैंक में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है पोचंकी बैंक के गार्ड ने। कहाँ है दोनों? सर दोनों ऊपर है, आइए मेरे साथ। तुम लोग यही सब करते हो, कोई काम धंधा करो, इतने बड़े हो गए हो, यही सब सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? नहीं सर, हम लोग ये सब कभी नहीं करते, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग चोरी कभी नहीं करते हैं सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब मजबूरी में किया है। कैसी मजबूरी? सर हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों की माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इलाज करवा सकें, इसीलिए सर मजबूरी में आके हमें ये कदम उठाना पड़ा। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? सर आप एक बार हमारे साथ हमारे घर चलिए, अगर झूठ निकला तो आप जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। चलो आओ। ये देखिए सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, सोई हुई है अभी।
सर अब आप मेरे भी घर चलिए। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे पता है तुम लोग सच बोल रहे हो, वैसे भी तुम लोग शकल से चोर नहीं लगते। ये लो, मैं तुम लोगों को कुछ यूसी दे रहा हूँ, इससे अपनी मम्मी के लिए दवाई खरीद लेना, और आइंदा से ये सब काम मत करना, कोई काम धाम ढूंढो और काम करो। थैंक यू सर। क्या करे यार, बता, इन्हीं उसी से दवाई ले आते हैं माँ के लिए। नहीं यार, मैं तो कहता हूँ इन्हीं उसी से कुछ काम स्टार्ट करते हैं। कैसा काम? नया नया माउंटेन ड्यू आया है इरेंगल में, मैं सोच रहा हूँ पोचंकी में चल के माउंटेन ड्यू बेचते हैं, बहुत बिकेगा, ढेर सारे उसी मिलेंगे फिर। हाँ सही कह रहा है तू, अगर काम चल पड़ा तो हमें फिर चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चल माउंटेन ड्यू ले लो भाई साहब, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, मात्र 10 यूसी की माउंटेन ड्यू। 5 यूसी की दोगे तो बताओ? 5 यूसी की तो खरीद भी ना है। रहने दो फिर। भाई भाई भाई, माउंटेन ड्यू ले लो भाई प्लीज। कितने की दे रहे हो माउंटेन ड्यू? सिर्फ 10 यूसी की, बहुत महंगी है यार। भाई एक भी एनर्जी ड्रिंक नहीं बिकी यार, हमारा तो नुकसान हो गया यूसी का। से करके काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक काम कर, सारी एनर्जी ड्रिंक घर पे ले जाके रखते हैं, फिर दोबारा वापस जल्दी से मेरे घर के बाहर आके तू मिल। ठीक है यार, हमारे तो सारे यूसी बर्बाद हो गए इंस्पेक्टर के दिए हुए, अब क्या करें, हमारे पास तो अब यूसी भी नहीं बची है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि नया नया माउंटेन ड्यू आया है पबजी में और कोई खरीद क्यों नहीं रहा। अरे यार, वो पी नहीं सकते माउंटेन ड्यू, इसीलिए कोई नहीं खरीदा, कोई फालतू का 10 यूसी क्यों वेस्ट करेगा अपना। अगर पिया जाता वो वाला तभी ना लेता यार, इससे अच्छा हम लोग एनर्जी ड्रिंक बेच लेते तो अच्छे खासे बिक जाते। क्या ये माउंटेन ड्यू पी नहीं सकते हम लोग? नहीं यार, अगर पी सकते तो कोई ना कोई ज़रूर खरीदता। मैंने भी घर पे जब एनर्जी ड्रिंक ले जाके रखा तो एक बार पीने की कोशिश की, बट मैं पी नहीं पाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारा सारा यूसी पानी में चला गया। एक काम कर, सुन मेरे साथ आ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे आना, अब हमारी सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है। प्रणाम बाबा जी। आओ बालक आओ, क्या समस्या है तुम्हारी? कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हल बाबा भैरवनाथ के पास नहीं। क्या समस्या है तुम्हारी बालक? बाबा हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों की माँ बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए यूसी चाहिए, हमें यूसी कमाने का कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा बाबा जी, प्लीज़ आप हमारी कुछ मदद कीजिए। देखो बालक, अगर तुम यूसी कमाकर अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हो तो इसके दो रास्ते हैं। पहला कि तुम खुद पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाओ, दिन रात मेहनत करो और पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद तो तुम अपनी माँ का इलाज अपने घर पर ही कर सकते हो। और दूसरा कि तुम एक गुंडे से हाथ मिला लो, किसी एक माफिया से हाथ मिला लो और किसी गलत काम में उतर जाओ, जिससे तुम्हें तुरंत ढेर सारा पैसा मिलेगा, उसमें कोई मेहनत नहीं है, ढेर सारा पैसा मिलेगा, अपनी माँ के भी इलाज करवा सकते हो। अब तुम्हारे पास तुम्हारी चॉइस। लेकिन एक बात, पहला रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन उससे तुम शांति से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाओगे, और दूसरे रास्ते से तुम अपनी माँ का इलाज तो करवा लोगे, ढेर सारी यूसी भी कमा लोगे, लेकिन चैन से अपने जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप महान हो। सदा सुखी रहो बालक, और रास्ते सोच समझकर चुनना। जी बाबा जी। तो गाइस, आपको क्या लगता है, कौन सा बंदा कौन सा रास्ता चुनेगा? दोनों एक ही रास्ता चुनेगा या दोनों अलग अलग रास्ता चुनेगा?
ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा, जिसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो देखने के बाद मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, इसलिए आपको अपने दोस्तों को शेयर करना होगा। तो गाइस अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और मैं मोदी जी से एक बात बोलना चाहूँगा कि यार जल्दी से जल्दी पबजी अनबैन करवाओ और प्ले स्टोर पे वापस लाओ, वरना कुछ नहीं होने वाला। मैं तो लंदन चला जाऊँगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं। मेरे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, मैं तो कभी भी चला जाऊँगा।